मुई पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन कुछ थमा ही था कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया बयान देकर नई तीली जला दी है और इस तीली को हरियाणा के गब्बर सिंह ने हवा देने का काम कर दिया है। दरअसल सोमवार को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। जब कोई साधु संन्यासी अपने घर और समाज का त्याग करता है तो वह भगवा रंग धारण करता है। उसे बजरंगी गुंडे पहन रहे हैं। पहले वे बताएं उन्होंने समाज के लिए क्या त्याग किया है। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। सवाल ये कि कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को घर परिवार को त्याग देता है तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना ज्वाला, उसके रंग का है वो। मतलब सब कुछ त्याग दिया, अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भले इन्होंने क्या त्याग किया है, समाज के लिए परिवार के लिए क्या त्याग किया है, वो तो बल्कि वसूली करने के लिए वो पहन रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल के इस बयान पर हरियाणा में गब्बर सिंह के नाम से मशहूर और अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बघेल के बयान का करारा पलटवार किया और अनिल विज पर जुबानी वार छेड़ते हुए कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस हैं और इन्हें भगवा में दोष नजर आता है। देखिए, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का अगर हम अध्ययन करें तो हर युग में देवता भी रहे हैं, राक्षस भी रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये आज के राक्षस प्रवृत्ति के महानुभाव हैं जिनको भगवा में इतना दोष नज़र आता है। दिन चढ़ता है तो भगवा होता है, रात्रि होती है तो भगवा होता है। हमारे तिरंगे में भगवे को सबसे ऊपर लिया गया है और इनको उसमें दोष नज़र आ रहा है। इनको तुरंत अपने पद से, जिस तिरंगे के सामने खड़े होके इन्होंने शपथ ली हुई है और आज उसको ये इस प्रकार से कह रहे हैं, इनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत मूवी पठान के गाने बेशर्म रंग पर बीते कई दिनों से जमकर विवाद हो रहा है। गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है और जिसको लेकर राजनीतिक नेताओं समेत कई हिंदू संगठन गाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी से एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज होने की आशंका है। ब्यूरो न्यूज़ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार,